स्वामी जी, हवन का समय हो गया है। सारे भक्तगण कब से इंतजार कर रहे हैं। अब आप हवन आरंभ कीजिए। उसके बिना हवन कैसे आरंभ हो सकता है, जिसका इंतजार खुद माता को है। आज मेरी मन्नत पूरी ना करने का कोई बहाना नहीं दूंगा तुम्हें। मेरा प्यार मेरी शिद्दत है, पर आज तू उसे मेरी सनक बना चुकी है। नाराज हो, मैं नास्तिक हूं, नहीं मानता तुम्हें, नहीं की कभी तुम्हारी पूजा, नहीं झुकाया कभी तुम्हारे सामने अपना सर, नहीं जोड़े कभी तुम्हारे सामने अपने हाथ।
तो वो सब कर रहा हूं शिद्दत से, पिछले 2 साल से लगातार, हर बार वो सब कर रहा हूं जो उसने मुझे सिखाया था। फिर क्यों नहीं सुन रही तुम मेरी? वो कहती थी कभी अपने भगवान से ये मत कहो कि आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुसीबतों से कहो कि आपका भगवान कितना बड़ा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो कहती थी क्यों? जब किसी से कुछ मांगना हो तो हाथ जोड़ के और सर झुका के मांगा जाता है। लो, सर भी झुक गया और घुटनों पर भी आ गया। जब आप अपने चाहने वाले में ही भगवान को देखने लग जाओ तो समझो आपका इश्क मुकम्मल हो गया। जब तक तुम मेरे पास हो तो भगवान कसम किसी भगवान की जरूरत नहीं। तुमने कभी ऑफ लेटली अपने आप को सुना है? बातें कम और शायरी ज्यादा करते। चलो अब पूजा करो। प्यार है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छे को शायर बना देती है। आज वही शायर तुम्हारे सामने भक्त बनकर खड़ा है, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। प्लीज मेरी शरण्या को बचा लो। उसकी हर सांस वक्त की मोहताज है। वो सांस तो ले रही है लेकिन जी नहीं रही। जिंदगी से कभी ना हारने वाली शरण्या आज मौत से हारने वाली है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मरने जा रही है मेरी शरण्या, जिसकी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारी श्रद्धा से जुड़ा हो। आज वो अपने हिस्से की जिंदगी से हारने वाली है। ये जो दिल यहां पे धड़क रहा है ये उस शरण्या का है, और जो मैं तुम्हारे सामने यहां खड़ा हूं ये भी उस शरण्या की वजह से। मां प्लीज मेरी शरण्या को बचा लो। मिस्टर एंड मिसेस बेस्ट, मैं माफी चाहता हूं पर अब शरण्या के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ग्रेजुअली शी इज गोइंग थ्रू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मिसेस बिस्ट वो 2 साल से कोमा में है। आप सबके सामने बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट हार मान चुके हैं। दिल की धड़कन चल रही है ना, सांसें ले रही है ना, मेरी बच्ची मरी नहीं है, जिंदा है वो अभी। कितना दर्द हो रहा होगा उसे बता नहीं सकती, तड़प रही है पर जता नहीं पा रही है। सुमन जी, इस मौत से वो अकेली नहीं, हम चारों लड़ रहे हैं ना।
और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा शाप नहीं हो सकता कि उसकी औलाद उसकी आंखों के सामने चली जाए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हमें उसे जाने देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। हमारी बच्ची तकलीफ में है सुमन जी। जाने दो। सह चुके अपने हिस्से का दर्द सुमन जी को। आज अगर मेरी शरण्या को कुछ हो गया, जलाकर राख कर दूंगा सब कुछ। मेरी तकलीफ देखकर शरण्या को जिंदगी दो। साबित करो कि तुम पत्थर नहीं।
एक पेशेंट का 2 साल बाद कोमा से बाहर आना और अपने पैरों पर भी खड़े हो जाना, ये मेरे करियर हिस्ट्री का पहला ऐसा केस है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ट्रस्ट मी। डॉक्टर, ये चमत्कार व्योम का ही है, उसी की तपस्या का फल है कि आज हमारी शरण्या हमारे पास वापस आ गई। पिछले 2 सालों में जब भी हम निराश हो जाते थे, ना उम्मीद हो जाते थे, तुम ही थे व्योम जो हमें ये विश्वास दिलाते थे कि शरण्या शरण्या फिर हमारे पास आ जाएगी। रॉकस्टार, गेस व्हाट, शरण्या ठीक हो गई। अरे आपको कैसे पता चला डैड? अगर एक सेंटिमेंटल डैड की तरह बात करूं तो ये कहूंगा कि तू मेरा खून है और तेरी खुशी मैं महसूस कर सकता हूं, पर अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो आई कैन सेंस दैट एक्साइटमेंट इन योर वॉइस। ये तेरी आवाज में आज जो खुशी सुनाई दे रही है ना, वो पिछले 2 सालों से नहीं सुनाई दी। टेल मी, पार्टी प्लान कर दूं? आखिर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस डैड, एक बार शरण ने डिस्चार्ज किया, फिर हम लोग बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं। ये 2 सालों में तूने जो अपने प्यार में जो शिद्दत दिखाई है ना, उसके सामने भगवान को भी झुकना ही था। डैड, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। व्योम, मैं तेरा बिजनेस कलीग नहीं हूँ, यू डोंट नीड टू थैंक मी फॉर एनीथिंग। और सुन, शरण्या के साथ रहना and take good care of her. और साथ में अपना भी ख्याल रखना। हाँ, bye dad, love you son, see you soon, take care. Wow, मैंने सिर्फ पार्टी का नाम लिया था और तुम तो शुरू हो गई, क्या बात है। लेकिन ड्रिंक्स के साथ साथ बॉटल होल्ड करना भी सीख लो। हाँ, तुम जानते हो ना, भले शरण्या को नई जिंदगी मिली है पर उसके हाथों हम अपना बेटा खो चुके हैं। रिलैक्स माधवी, हर वक्त ये काऊ 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 काऊ, छोड़ दो ये आदत और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना सीख लो। आफ्टर ऑल वी आर अ हैप्पी फैमिली। स्माइल। We'll be right back.
अपने बेटे की खुशी के लिए तुम घर में खुशी के दिए जलाओ मिस्टर राजन बेदी, और मैं अपने अरमानों की चिता। तुम्हारी इन चलती हुई सांसों ने हमारे प्यार को जिंदगी दी है शरण्या, और आज तुम्हें पाकर यकीन हुआ है कि अगर तुम नहीं होती तो ना मैं होता, ना ये प्यार होता, और ना ही जीने की कोई वजह होती। तुम्हारे बिना जो वक्त बीता उन पलों में भी बस तुम ही गुजरी हो। मिस्टर व्यू, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। किस जो इश्क को जान लेता है वो इश्क उसकी जान लेता है, ये क्या बेहुदा मजाक है? ए रुक, we'll be right back.
ये तुम क्या कर रही थी? प्लीज, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब दोबारा नहीं खो सकता। शरण्या, इस पल से आने वाली पूरी जिंदगी तक तुम मेरे साथ रहोगी। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं। अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.